भगवान की ये थड़ी अवस्था वाली मूर्ति घर में हमेशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस मूर्ति को रखने से आपका दुर्भाग्य जागृत होता है और करोड़ों गुना पाप के आप भागीदार हो जाते हैं। क्योंकि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध होती हैं और उनको सही ढंग से पूजा उनकी नहीं करने से आपको तरह तरह के दोष जीवन में लग सकते हैं। या तो विधि विधान से इनकी पूजा करें, अन्यथा इनको घर में ना रखें, क्योंकि जो खड़ी हुई अवस्था वाली मूर्ति होती हैं बहुत जागृत होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं, शक्ति संपन्न होती हैं। इनको आप घर में लेकर आते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का दोष आपके द्वारा निर्मित ना हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत रोचक है और आपको इसकी जानकारी होनी ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर हिंदू हैं तो आपको ये जानकारी तो आवश्यक है जाननी जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है, पूजा पाठ में है, व्रत उपवास में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप ही के लिए निर्मित किया गया है और इसको अपनाकर, इसको सब्सक्राइब करके आप बहुत लाभान्वित होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, खड़ी अवस्था वाली चीज़ों पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसमें खड़ी झाड़ू आपको घर में नहीं रखनी चाहिए, खड़ी खाट आपको नहीं रखनी चाहिए और खड़ी अवस्था वाली लक्ष्मी जी की मूर्ति भी आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप व्यवसायिक मनोवृत्ति के हैं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन घर में भूल कर भी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। जहाँ आप रहते हैं उस जगह बैठी हुई लक्ष्मी की ही मूर्ति आपको लगानी चाहिए। इसी प्रकार से जो गणेश जी होते हैं उनको भी बैठी हुई अवस्था वाली में आप चित्र लगाएं या मूर्ति रखें, तभी आपको लाभ होगा और तभी आपको पैसे का आगमन होगा। गणेश जी की जो मूर्ति है खड़ी अवस्था वाली लगाते हैं तो इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। ये सिद्ध मूर्ति होती है और इसको घर में लाना, मतलब इनकी विधिवत देखभाल करना आपको ज़रूरी होता है। तो ये सोचकर आप अपने घर में लाइए, अन्यथा मत लाइए। 22 ऊंट वाले बैठे हुए गणेश जी का विग्रह आपके लिए शुभ होता है और धन संपदा देने वाला होता है। विशेष रूप से जो गणेश जी की मूर्ति होती है, अगर रिद्धि सिद्धि सहित हो, मतलब ऐसा स्टैचू हो जिसमें रिद्धि सिद्धि उनके साथ ही लगी हुई हैं दाएं बाएं, तो ये मूर्ति बहुत शुभ होती है। इसको अपने मुख्य द्वार पर रखें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और पैसे की तकलीफ आपको जीवन में कभी भी नहीं आएगी और आप करोड़ों अरबों में खेलेंगे अगर ऐसी मूर्ति आपके मुख्य द्वार पर लगी हुई है। लेकिन वास्तु की दृष्टि से इसके गणेश जी की पीठ में गरीबी का वास होता है, इस नाते अपने मुख्य द्वार के भीतर के साइड भी आप एक गणेश जी की मूर्ति लगाएं या स्टीकर लगाएं, तभी आपको पूरा फल मिलेगा धन संपदा प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से जो विग्रह होते हैं देवी देवताओं को अपने घर में लाने से पहले सोचना चाहिए, जैसे काली माता है। काली माता की तांत्रिक गतिविधि करने वाले पूजा करते हैं। अगर आप गृहस्थी हैं तो मेरी राय आपको यह है कि काली माता की मूर्ति विध्वंसक होती है और उग्र गुस्से वाली कोई भी देवी देवता की मूर्ति आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में ऐसे देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हंसी हो और सौम्य स्वरूप हो उनका, उनकी ही मूर्ति आपको घर में स्थापित करनी चाहिए। अगर आपका घर टी पॉइंट पे है तो आप ऐसे भगवानों की मूर्ति रखें, जैसे तुलसी माता की मूर्ति आप रख सकते हैं। तुलसी माता के पौधे को तो आपने बहुत बार देखा होगा और सराहा होगा और तुलसी मैया की पूजा भी आपने की होगी, लेकिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसके साथ में शालिग्राम जी रखने अवश्य होते हैं और शालिग्राम का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। भैरव जी की पूजा, शनि देव की पूजा, राहु केतु की पूजा गर्भगृहस्थियों को नहीं करनी चाहिए और घर में इनकी पूजा करना कम घरों में हमने देखा है। अगर आपके लिए शनि शुभ है तो शनि देव का पेंडेंट आप पहन सकते हैं, शनि देव का यंत्र आप रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति की जो स्थापना है मंदिरों में ही होती है और मंदिरों में तेल इत्यादि चढ़ाया जाता है, इस निमित्त आपको घर में शनि देव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ताबीज आप पहन सकते हैं, शनि देव का पेंडेंट आप पहन सकते हैं, इससे ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक हैं। राहु केतु का स्टिकर भी आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी ज़िंदगी में जी का जंजाल पैदा हो सकता है और आपको
बहुत लाभ होने की बजाय नुकसान हो सकता है, दुर्दशा देखनी पड़ सकती है, दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं अगर आप राहु केतु का स्टैचू अपने घर में ला के रखते हैं। राहु केतु का जो स्थान होता है मंदिरों में ही होता है, और अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु केतु को आप पा सकते हैं। उनकी नियमित 4 अगरबत्ती जलाएं, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और राहु देव की कृपा भी आपको मिलेगी। आप राहु की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ऊपर आप 4 नंबर ग्रे पेन से लिख दीजिए, मतलब ग्रे कलर का स्टिकर लगा दीजिए जहाँ 4 लिखा हो, और मोबाइल फ़ोन में आप उसको लगा दीजिए स्टिकर, या उसको लगा दीजिए तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और राहु आपके शांत होंगे। खड़े हुए ब्रह्मा जी की मूर्ति भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपको नुकसान भोगना पड़ सकता है। ब्रह्मा जी की मूर्ति वैसे घर में पूजा नहीं होती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मा जी की स्थापना करना चाहते हैं तो कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी की स्थापना कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। मेरा सजेशन यही है कि मंदिर में जाके ही ब्रह्मा जी के दर्शन करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। आपके घर में अगर तीनों देवताओं की एक साथ मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इन तीनों की एक साथ स्टैचू रखें, आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ होगा और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आएगा। राहु का देवता सरस्वती माता को माना गया है, और सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। विद्या की देवी का मंत्र भी आप जप सकते हैं, लेकिन उनको आप अपने घर में स्थापित करें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी और आपके घर में बरकत भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आयत से होगी। आप राधा कृष्ण का चित्र अपने घर के मंदिर में रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने श्री कृष्ण का चित्र रखा है घर में तो अकेला ना रखें, राधा जी के साथ में उनकी मूर्ति या चित्र रखें तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। ये प्रेम के प्रतीक हैं और प्रेम को फैलाने वाले देवी देवता हैं। इनके नाम का स्मरण आप करते हैं और इनको सेंट या परफ्यूम अर्पित करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है, आपकी लव लाइफ चल निकलती है। अगर आपके घर में लक्ष्मी माता की अकेली मूर्ति है तो ऐसा ना करें, विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ या लक्ष्मी नारायण स्वरूप में माता लक्ष्मी की स्थापना करें और भगवान विष्णु का भी चित्र अपने घर में रखें तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से पार्वती माता के सहित शिव जी की मूर्ति आप रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इसी प्रकार से गणेश जी अगर माता लक्ष्मी के साथ आप रखते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी गणेश जी को अपना पुत्र मानती हैं और ये अधिकार उनको माँ पार्वती ने दिया है, तो उनको आप लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। माता लक्ष्मी ने कहा है जिस घर में गणेश जी की पूजा मेरे बगैर होगी उनको मैं कभी उस घर में स्थायी रूप से वास नहीं करूँगी, मतलब वास ही नहीं करूँगी, ऐसा माता लक्ष्मी ने बोला है, और उस घर में पैसे की आवक कभी नहीं होगी। शिव जी की मूर्ति भी खड़ी हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति जैसे शिव परिवार होता है, वो परिवार सहित आप तस्वीर या मूर्ति लगाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन शिव परिवार की मूर्ति के अलावा आप उनको अपने पिक्चर के रूप में स्थान देते हैं और शिव परिवार स्थापित करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आपके परिवार में एकता बनी रहती है और आपके परिवार में धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसके अलावा आप कोई भी खड़े देवता यानी हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में खड़ी हुई अवस्था में न रखें। पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी की मूर्ति रखना शुभ होता है, और अपने पीठ जहाँ आपकी पीठ है वहाँ हनुमान जी के को आप रखते हैं तो आपको जब जीवन में अकेलापन महसूस नहीं होगा और आपको लगेगा कि बहुत सा बड़ी शक्ति आपके साथ में है। लेकिन हनुमान जी का जो दर्शन है या चित्र या मूर्ति रखते हैं पंचमुखी हनुमान जी, आप मुख्य द्वार पे रखें। अगर आपका मकान साउथ फेसिंग है या साउथ वेस्ट फेसिंग है तब पंचमुखी हनुमान जी की या अकेले हनुमान जी की मूर्ति आप या तस्वीर रखते हैं उस दिशा को देखते हुए, तो आपको जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता बल्कि धन का प्रवाह आपके जीवन में बना रहता है। तो आज हमने बेहद खास जानकारी दी, हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए जो आपको ज्ञान दे और आपकी सभी समस्याओं को दूर करे और धन का आगमन आपके जीवन में होता रहे। तो इसी शुभकामना के साथ मित्रों आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।